जर्मन बेकरी बॉम्ब स्फोटाला 10 वर्ष पूर्ण होत आहेत. 13 फेब्रुवारी 2010 पुण्यातील कोरेगाव पार्क या भागामध्ये झालेल्या या बॉम्ब स्फोटामध्ये 17 लोकांचा मृत्यू झालेला होता तर 15 अधिक जण जखमी झालेले होते. पुण्यात झालेला हा पहिला दहशतवादी हल्ला होता. आज 10 वर्षानंतर देखील या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेल्या आरोपींच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झाली नाहीये. 13 फेब्रुवारी 2010 सायंकाळी 7:15 पुण्याच्या कोरेगाव पार्क भागातील जर्मन बेकरी हादरलेली होती. यंग स्टूडेंट्स मारे गए जो बेगुनाह थे सारे और अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए कॉफ़ी केक के लिए आए थे. उसमें मेरा बेटा भी था और उसका दोस्त भी था. मेरे बेटे ने तो कुछ खाया नहीं. उससे ही पहले वो आया तो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था. उसका पैर से पूरा मैंगल हो गया था और पूरे बॉम्ब के पार्टिकल्स यहाँ तक पहुँच गए थे. सिर्फ मुझे एक ऐसा भाव आया कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है और कुछ हुआ है मेरे साथ कि दुनिया का बड़ा सा बड़ा डॉक्टर भी नहीं मुझे बचा सकता है. ये एक भावना आया क्योंकि ये फीलिंग आ गया था कि मेरे शरीर को ऐसा डैमेज हुआ है जो कि मैं रिकवर नहीं हो सकता हूँ. इस तरह का सब कुछ ख़त्म हो गया और उस समय मैं पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो गया.